रमजा 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 मनवा रमजा अपने राम में, रमजा 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 मनवा, ओ रमजा 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 मनवा रमजा अपने राम में, रमजा 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 मनवा रमजा अपने राम में, रमजा 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 मनवा रमजा अपने राम में, रमजा 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 मनवा रमजा अपने राम में, रमजा 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 मनवा रमजा अपने राम में, रमजा 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 मनवा ओ रमजा 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 मनवा रमजा अपने राम में, रमजा 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 मनवा ओ रमजा 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 मनवा रमजा अपने राम में, रमजा 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 मनवा रमजा अपने रमजा 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 मनवा रमजा अपने राम में, रमजा 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 मनवा रमजा अपने राम, ओ रमजा 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 मनवा रमजा अपने राम, ओ रमजा 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 मनवा रमजा अपने राम में, रमजा 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 मनवा रमजा अपने राम। स्वामी जी महाराज ने आज मन को प्रबोधन नामक प्रसंग लिया है। स्वामी जी महाराज हम सबसे निवेदन कर रहे हैं, अपने अपने मन को प्रबुद्ध कीजिएगा, सोए हुए को जगाइएगा, अच्छी तरह से समझाइएगा। प्रबोधन का अर्थ है अच्छी तरह से समझाना, सोया हुआ है तो उसे जगाना, उसे भी प्रबोधन कहा जाता है। आपने देखा साधक जी ने कोई ऐसी पंक्ति नहीं जहां स्वामी जी महाराज ने मन को ये नहीं समझाया, थोड़ी सी नाम की महिमा बताते हुए साथ ही ये कहा कि मन इस नाम का जप कर, इस नाम पर भरोसा रख, इस नाम पर विश्वास रख, इस नाम की आराधना कर, इस नाम की उपासना कर। ये स्वामी जी महाराज का शाश्वत उपदेश है साधक जनों, हर प्रसंग में यही फरमाते हैं। परसों बातचीत चल रही थी नाम पर विश्वास की, श्रद्धा प्रेम, गांधी जी की चर्चा चल रही थी। युग के बहुत बड़े विश्वासी हुए हैं राम नाम, बहुत उच्च कोटि के विश्वासी महात्मा गांधी, उनको बोध है कि राम नाम में रोग निवारक क्षमता है, शोक को संहार करने की क्षमता है, पापों को नष्ट करने की क्षमता है। ये सारे के सारे विश्वास गांधी जी के अंदर उस दिन जिक्र आया था। गांधी जी रोज राम राम जपा करते, और जब से स्वामी जी महाराज से मिलन हुआ इन स्वामी जी महाराज से, तब से नियमित रूप से राम नाम जपना उन्होंने शुरू किया। स्वामी जी महाराज के मिलने से पहले वे नियम पूर्वक राम राम नहीं जपा करते, जपते लेकिन नियम पूर्वक नहीं। राम नाम में उनका विश्वास भी था, पर स्वामी जी महाराज के कहने के बाद उन्होंने नियम पूर्वक स्वामी जी महाराज से वायदा किया कि मैं आज से वायदा करता हूँ स्वामी जी, मैं नियम पूर्वक राम नाम जपा करूँगा। तो तब स्वामी जी महाराज ने अपनी जेब से अपनी माला निकाल के तो
महात्मा गांधी जी को दी थी, वही माला साधुक्षणों जिस वक्त महात्मा गांधी जी को गोली लगी है उस वक्त भी वही स्वामी जी महाराज की दी हुई माला उनके हाथ में थी। स्वामी जी महाराज इस युग के जहाँ इतने विश्वासी हुए हैं वहाँ एक ग्रस्त महात्मा गांधी भी उन्हीं की तरह विश्वासी हुए हैं। ए वेरी प्रैक्टिकल पर्सन कहा करती कि जब मैं अंग्रेजों की चाल में फंस जाता हूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो मैं अपनी माँ की गोद में चला जाता हूँ, उनसे आशीर्वाद लेके तो मैं बलपूर्वक आगे उनके साथ युद्ध करता हूँ, एक शक्तिशाली साम्राज्य के साथ, अंग्रेज राज्य के साथ। जब मैं अपने आप में कमजोर महसूस करता हूँ तो मुझे बल चाहिए होता है, तो मैं अपने पिता की चरण शरण में जाता हूँ, वहां से मुझे बल मिल जाता है। लोगों को इस बात पर शंका हुई तो उन्होंने कहा कि आपके माता पिता की मृत्यु हुई बहुत देर हो गई है, क्या स्वर्ग से आते हैं वे आपको आशीर्वाद या बल देने के लिए? तो उन्होंने कहा नहीं, गीता जी मेरी माँ है और राम नाम मेरे पिता श्री हैं। जिस वक्त मैं कोई अंग्रेजों की चालों में फंस जाता हूँ, वे मुझे फंसाने की कोशिश करते हैं और मुझे निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो मैं गीता माँ की गोद में जाता हूँ, एक आधा श्लोक पढ़ लेता हूँ, चिंतन मनन करता हूँ, तो मेरी समस्या का समाधान हो जाता है। जब मैं अपने आप में थोड़ा निर्बल दुर्बल महसूस करता हूँ शारीरिक तौर से बौद्धिक तौर से, तो मैं राम नाम का आश्रय लेके, अपने पिताश्री का आश्रय लेके राम राम जपता हुआ उनसे बल प्राप्त कर लेता हूँ, तो मैं फिर बलवान महसूस करता हूँ। उस दिन चर्चा चल रही थी साधुजनों, आज गांधी जी राम राम जपते जपते तो मन उनका थोड़ा उच्चाट हो गया। गृहस्थी में रहते रहते साधुजनों बहुत सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं, अनअवॉइडेबल, आदमी उनको अवॉइड नहीं कर सकता, होता तो सब कुछ अपने कर्मों के अनुसार ही है। जो कुछ भी घटित होता है, चाहे वह पिछले कर्मों के अनुसार है चाहे वह अभी के कर्मों के अनुसार है, पर है तो अपने कर्मों के अनुसार ही। इसमें आप साधक हो साधक चलो, हमें कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जो कुछ भी अच्छा घट रहा है वह कोई अच्छा कर्म हो गया उसके कारण घटित हो रहा है, जो कुछ बुरा घटित होता है समझ लीजिएगा कोई बुरा कर्म हो गया तो उसके कारण घटित हो रहा है। कईयों का फल तत्काल मिल जाता है, कईयों का फल साल दो साल के बाद, कईयों का फल इस जन्म में, कईयों का फल अगले जन्म में, ये निर्भर करता है कि आपने कैसा बीज कैसा कर्म बीज बोया है। उदाहरण क्या, आज रात को आपने भोजन खराब खा लिया, या आइसक्रीम बहुत दिन की पड़ी हुई थी वह खा ली, तो मध्य रात्रि आपको दस्त और उल्टी लग गई, तो ये गलत कर्म का इमीडिएट प्रभाव, कर्म तो हुआ उसका फल आपको तत्काल मिल गया। कई पौधे ऐसे होते हैं जो एक महीने के अंदर अंदर आपको थोड़ा बहुत फल सब्जी जो कुछ भी होता है वह देना शुरू कर देते हैं। सेब का पौधा है, उसे 10, 11 साल 12 साल के बाद फल लगता है, तब तक वह बढ़ता रहता है। तो बीज पर निर्भर करेगा, किस चीज का आपने बीज बोया है वह आपको तत्काल फल देने वाला है, कुछ देर के बाद फल देने वाला है, इस जन्म में देने वाला है या उससे अगले जन्म में देने वाला है। है तो अपने कर्मों का ही फल। हर साधक को इस बात को बिल्कुल याद रखना चाहिए। देवी सचरु यह बात याद आती है, माता पिता सब यहाँ बैठे हुए हैं, आपको कर्तव्य याद दिलाता रहता हूँ, आप अपने अपने कर्तव्य से पलायन करते रहते हो। बच्चियों को चुन्नी का प्रयोग करना, महिलाओं को सिर का ढकना,
एक सिर भी इस वक्त ढका नहीं हुआ है। बड़ों के सामने कैसे बैठना चाहिए, कैसी इज्जत होती है उनकी, मंदिर जैसे स्थान में कैसे जाना चाहिए, ये माता पिता नहीं सिखाएंगे तो क्या मैं सिखाऊंगा। ये बातें आपके दिमाग में क्यों नहीं आती, ये आप ही का कर्तव्य है। ये क्यों नहीं समझते कि जिस पुत्री को हमने समझाया नहीं वह कल पराए घर जाके क्या करेगी, ये अच्छे परिणाम तो नहीं निकल रहे। आप देखते हो कि परिणाम अच्छे नहीं निकल रहे, क्यों? आपने शिक्षा उन्हें ठीक नहीं दी। शिक्षा जो देनी चाहिए, जो अपनी संस्कृति है उससे हट के आप बातें करते हो, जो शिक्षा देनी चाहिए, जो शिक्षा उनको मिलनी चाहिए वह शिक्षा मिल नहीं रही। पुराने वक्तों में, बहुत पुराने वक्तों की बात नहीं, मैंने ये दिन देखे हुए हैं, क्या मजाल है किसी बहू की या किसी लड़की की कि वह नंगे सिर अपने बाप या ससुर के सामने खड़ी हो जाए। मंदिर भी जाना है, किस प्रकार से लोग जाते हैं। हाँ, एक जगह मैंने देखी है जहाँ प्रायः महिला सिर ढकती हैं जब शमशान घाट जाना होता है। ये नई चीज शुरू हो गई है, पहले महिलाएं शमशान घाट नहीं जाया करती थी, अब जाती हैं तो वहां मैंने सिर ढका हुआ देखा है लोगों का। देखता था कि वहां सिर ढक लेती थी, मंदिरों में कोई जरूरत नहीं समझी जाती, बड़ों के सामने कैसे खड़े होना है इन चीजों की जरूरत नहीं समझी जाती, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो आपको सिर्फ सावधानी कर सकता हूं देवियों सज्जनों, ये प्रॉब्लम्स तो आपकी हैं और आपको भुगतनी पड़ती हैं, इसलिए सचेत आपको करता रहता हूं, मानना ना मानना आपकी इच्छा है। तो चर्चा चल रही थी महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी बहुत उच्च कोटि के राम नाम के विश्वासी। आज जाप करते करते मन थोड़ा उच्चाट हो गया है, अतएव सोचा देखो अच्छे लोगों के विश्वास भी किस प्रकार के हुआ करते हैं। अच्छे लोगों के विश्वास इस प्रकार के नहीं कि अपना काम निकलना चाहिए, दूसरे को चाहे जितना मर्जी दुख हो इस बात की कोई चिंता नहीं, दूसरे किसी को भी दुख दे के साधक जनों आप भी सुखी हो सकोगे ये कभी नहीं हो सकता। हाँ, ऊपर ऊपर से जैसे मर्जी आप उछलते कूदते दिखाई देते रहो, लेकिन अंदर से आपके आग लगी हुई है और वह आपके चेहरे पर आग की लपटें झलकते हैं। आपका चेहरा एक साधक का चेहरा नहीं हुआ करता, साधक का चेहरा और तरह का चेहरा हुआ करता है। आज मन उच्चाट हो गया है, अतएव सोचा रामायण जी का पाठ मुझे कहीं से सुनने को मिल जाए तो उसके बाद फिर सिमरन में रुचि बढ़ जाती है। कैसा सुंदर विश्वास है, ऐसा नहीं कि मैं टीवी का सीरियल देख लूं उसके बाद फिर मैं जाप करने के लिए, या कुछ लेट लूं थोड़ा सो लूं उसके बाद जाप करने के लिए, ना। उनका विश्वास कैसा, मैं यदि मुझे इस वक्त रामायण सुनने को मिल जाए, अपनी इच्छा व्यक्त की, मुझे किसी के पास रामायण सुनने वाले के लिए ले चलो, मैं रामायण जी सुनना चाहता हूं ताकि मेरा मन फिर सिमरन में टिक जाए, मेरा मन फिर परमात्मा पर टिक जाए। मानो वह व्यक्ति कभी अपना मन परमात्मा से हटाना नहीं चाहता, वह चाहता है कि संसार में रहते हुए सारा कामकाज करते हुए भी मेरा मन जो है वह परमात्मा पर टिका रहे। ऐसे महात्मा गांधी ऐसे नहीं महात्मा बन गए, ऐसे घर गृहस्थी को निभाते हुए महात्मा की उपाधि प्राप्त करना ये कोई छोटी बात नहीं है, कुछ करनी करी है उन्होंने और उसका फल उन्हें मिला है कि एक महात्मा ना होते हुए भी, संत ना होते हुए भी, संन्यास ना लिए हुए भी, घर गृहस्थी निभाते हुए भी, देश के लिए लड़ाई करते हुए भी उन्हें महात्मा की उपाधि मिली गई है। सारा संसार उन्हें मानता है, सारा संसार उन्हें महात्मा कहता है। एक राधा नामक व्यक्ति, उसके पास महात्मा गांधी जी को रामायण पाठ सुनने के लिए ले गए हैं। महात्मा गांधी उस व्यक्ति को देखकर, राधा ये पुरुष का नाम है, राधा को देख के चकित भी हुए और रामायण पाठ सुन के बहुत आनंदित हुए, मानो भर गए, सिस्टम फिर तैयार है राम राम जपने के लिए, सिमरन के लिए भी तैयारी हो गई। चकित क्यों,
आनंदित हुए रामायण जी का पाठ सुन के बहुत अच्छा लगा। वे राधा नामक व्यक्ति भाव विभोर होके रामायण जी का पाठ करता, दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, अपने लिए। भाव विभोर होके अकेला ही रामायण जी को गाता, कोई सुनने के लिए आ जाए, कोई सहयोग देने के लिए आ जाए, लेकिन अपेक्षा है नहीं कि आए, मेरी रामायण सुने, मेरी आवाज सुने, ये करे वो करे, ऐसी बिल्कुल कोई किसी प्रकार की इच्छा उसके अंदर नहीं। बहुत अच्छा लगा महात्मा गांधी जी को। तो महात्मा जी ने पूछा, आप? हाँ बापू, मैं। राधा को पूछा, आप? राधा ने कहा, हाँ बापू, मैं। आप तो कुष्ठ रोगी थे, था ये राम नाम का प्रताप है कि मैं कुष्ठ रोगी नहीं रहा, क्या किया आपने? महात्मा गांधी जी ने जिज्ञासा प्रकट की, क्या किया आपने? कहा, बापू सिर्फ राम राम जपा और बिल के पत्तों का जूस निकाल के, पानी निकाल के तो अपने घाव पर लगाया करता था, उससे मैं बिल्कुल ठीक हो गया। महात्मा गांधी ने कहा, अब समझा परमेश्वर ने क्यों मुझे इस राधा नामक व्यक्ति के पास भेजा है, क्यों राम राम जपते जपते मेरा मन उब गया, क्यों मेरे अंदर रामायण जी सुनने की प्रेरणा दी, ताकि मैं इस व्यक्ति की बात सुन सकूं जिससे मेरा विश्वास परमात्मा के प्रति, परमात्मा के नाम के प्रति अनंत गुना सुदृढ़ हो। राम नाम रोग निवारक है, पाप नाशक है, शोक हरता है। महात्मा गांधी ने इन तीन शब्दों का प्रयोग किया, राम नाम में क्षमता है ये सब कुछ करने की, मेरा विश्वास अनंत गुना सुदृढ़ हो गया। इसी विश्वास के बल पर ही साधकों उन्होंने इतना बड़ा युद्ध जो है वह जीता। ठुक बजा के कहते हैं, मैं जिस वक्त बोलता हूं उस वक्त मैं नहीं बोलता, कैसा विश्वास है, ये बातें ऊपरी ऊपरी नहीं जैसे हम करते हैं, ना उनके हृदय से निकला करती। एक स्वामी जी महाराज ऐसी बातें करें तो इनको तो शोभा देती हैं, ये तो व्यवसाय से, प्रोफेशन से ये संत महात्मा है, लेकिन वह व्यक्ति तो प्रोफेशन से संत महात्मा नहीं है। राम नाम के जापक को समझाते हैं कैसे राम नाम आपको जपना चाहिए, बिन भाव जपा हुआ ऐसे, साफ कहते बिन भाव से राम नाम जपा हुआ बिल्कुल ऐसे जैसे कि टेप चल रहा है। ऐसी बातें जो अनुभवी संत महात्मा कहते हैं वह महात्मा गांधी कहा करते हैं। तो सच में समय हो गया है, कल जारी रखेंगे। एक बात और कहना चाहता हूं, बंकिम चंद्र चटर्जी की कल करेंगे बात, उसकी वे भी, उनका भी विश्वास राम नाम में कैसा विलक्षण, कैसा अद्भुत, कल कर लेंगे चर्चा इसकी। आज यही समाप्त करने की इजाजत है, धन्यवाद।